तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं गदर 2 अपने पहले 37 दिनों में इंडिया के अंदर टोटल कितनी कमाई कर रही है, वहीं फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना कलेक्शन हो चुका है और आज अपने 37वें दिन ये फिल्म कितनी कमाई कर रही है। वहीं जवान फिल्म अपने पहले 9 दिनों में इंडिया के अंदर टोटल कितनी कमाई करने में कामयाब रही, वहीं फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना कलेक्शन हो चुका है और आज अपने 10वें दिन यानी कि दूसरे सैटरडे को फिल्म के कलेक्शन में हमें कितना तगड़ा उछाल देखने को मिला है, आज कितनी कमाई होने वाली है, सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करूंगा मैं गदर 2 फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो मैं आपको बताता चलूं कि अनिल शर्मा के डायरेक्शन और प्रोडक्शन में यह फिल्म बनी थी जिसका बजट लगभग 100 करोड़ रुपए से भी कम का था। फिल्म में हमें सनी देओल के साथ अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा नजर आए थे, तो वहीं फिल्म को पूरे इंडिया के अंदर लगभग 3800 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया के अंदर 40 करोड़ 10 लाख रुपए की नेट कमाई की थी, तो वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 54 करोड़ रुपए का हो चुका था। उसके बाद गदर 2 ने अपने पहले 31 दिनों में 515 करोड़ रुपए इंडिया से नेट कमा लिए थे, तो वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 678 करोड़ रुपए हो चुका था। उसके बाद बात करूंगा मैं पूरे 35 दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो गदर 2 ने अपने पहले 35 दिनों में 517 करोड़ 88 लाख रुपए इंडिया से नेट कर लिए थे, तो वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 681 करोड़ रुपए हो चुका था। 36वें दिन की मैं बात करूं छठवें फ्राइडे की, तो छठवें फ्राइडे को फिल्म ने कमाए 46 लाख रुपए। जा दोस्तों 46 लाख रुपए 36वें दिन अपने ये करने में कामयाब रही। और आज अगर 37वें दिन की बात करूं तो आज छठवां सैटरडे है, तो फिल्म के कलेक्शन में बहुत अच्छा उछाल हमें देखने को मिला है और आज फिल्म कर रही है लगभग 70 लाख रुपए पूरे इंडिया से। तो फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है 37 दिनों का वो 518 करोड़ 40 लाख रुपए इंडिया से नेट हो रहा है, तो वही फिल्म पूरे वर्ल्ड में 683 करोड़ रुपए कर रही है। लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो जवान फिल्म का जो पहले दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था वो 129 करोड़ 60 लाख रुपए का रहा था। उसके बाद अपने पहले 8 दिनों में यानी कि 8वें दिन जो फिल्म की कमाई रही थी जवान फिल्म की वो थी 21 करोड़ 60 लाख रुपए। तमिल तेलुगु हिंदी तीनों भाषाओं में 8वें दिन 21 करोड़ 60 लाख रुपए कमाए थे। तो 8 दिनों का जो टोटल कलेक्शन था वो 389 करोड़ 88 लाख रुपए इंडिया से हो चुका था। वही फिल्म का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन 469 करोड़ रुपए हो चुका था। ओवरसीज से फिल्म ने कमा लिए थे 228 करोड़ रुपए और कुल मिला के अपने पहले 8 दिनों में फिल्म पूरे वर्ल्ड में 697 करोड़ रुपए कर चुकी थी। 9वें दिन फिल्म का कलेक्शन रहा लगभग 21 करोड़ रुपए का। और बात करूंगा मैं 10वें दिन की, तो आज फिल्म का दूसरा सैटरडे है, फिल्म के कलेक्शन में बहुत बड़ी ग्रोथ हमें देखने को मिली है और आज ये फिल्म 32 से 33 करोड़ रुपए पूरे इंडिया के अंदर करती हुई हमें नजर आ रही है। तो फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है 10 दिनों का वो 442 करोड़ रुपए इंडिया से नेट हो रहा है, तो वही फिल्म पूरे वर्ल्ड में 790 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी पार कर जाएगी आज। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है शाहरुख खान की फिल्म जवान के लिए और ये बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।